वेलकम बैक। तो क्लास 10th, आज हम पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8, उसका पूरा वन शॉट करेंगे। यानी इंटायर जो चैप्टर है उसको हम समराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे और साथ में जो जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको करेंगे, है ना। बाकी कुछ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे, चूंकि यही जो चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है, चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर आपके पास 8 है, सही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में आपको बेसिकली करना क्या है, देखिए आपने ऑलरेडी जो ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, अभी जिनको एग्जाम देना है, सबसे पहले चीज होता है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, राइट। ये आपने पढ़ चुका होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल है, ठीक है। इसको हम सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, एंगल्स, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। जैसे स्पेसिफिक एंगल में आपके पास होता है, मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है ना, 90 डिग्री, ये कुछ 5 एंगल्स हैं, हम इनको पढ़ेंगे एक एक करके। और तीसरा जो आपके पास चीज है वो है सर, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो चौथा चीज है, ये जो लास्ट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 4 चीजें हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपके पास है सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 है। आप ध्यान दीजिएगा, हमने ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं इनको, ए बी सी। सपोज आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है, सही है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर मैं जैसे लाइक एंगल यहाँ पे लू, एंगल को कोई दूसरे कलर से ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये एंगल है, मान लीजिए एंगल है जिसको मैं कहूँ थीटा है। अब जब आप एंगल को यहाँ पे लेते हो ना, तो इसका जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड कौन सा है, यहाँ पे ए बी है, ए बी है राइट, थीटा का अपोजिट साइड ए बी है, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और यहाँ पे जो थीटा के साथ वाला है एडजेसेंट है, इसे कहेंगे बेस, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है। अब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा का जो अपोजिट साइड है उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, थीटा के जो साइड में है उसे हम बेस कहेंगे, ठीक है। अब जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपने पढ़ा होगा अपनी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, जो मशहूर थ्योरम है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। या हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है बराबर होती है स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, जिसको हम परपेंडिकुलर और बेस बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम यूज करेंगे। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे आपके पास एक साइड हुआ परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस और तीसरा है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मैं लेना चाहूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, रेशियो किसे कहते हैं, रेशियो में आपके पास ऊपर एक नंबर होते हैं जिसे हम न्यूमिरेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर जो नीचे जो नंबर है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जब भी आपके पास दो रेशियोस, यानी रेशियो होता क्या है, जब भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं वो उसे हम रेशियो कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। अब इस रेशियो को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, साइन ऑफ थीटा है, क्योंकि ये जो रेशियो है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से डिपेंड करता है इस एंगल पे, और इसी रेशियो को हमने नाम दिया साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ। इसी तरह अगर मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज चाहिए, इस रेशियो को क्या नाम देंगे, आप कहोगे सर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो बस आपके पास जो रेशियोज हैं उनके नाम है, ठीक है, ग्रेट। अब इसी तरह चूंकि देखना आपके पास न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, अब न्यूमिरेटर में आपके पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस, कौन कौन सा, परपेंडिकुलर हो सकता है ऊपर, या तो हाइपोटेन्यूज या तो बेस हो सकती है, राइट, ये 3 चॉइस है। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 चॉइस है, हो सकता है यहाँ पर परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज आया या बेस आए। तो न्यूमिरेटर के लिए 3 चॉइस है, डिनोमिनेटर के लिए 3 चॉइस है,
तो टोटल आपके पास जो रेशियो बन के आता है वो कितनी बन के आती है, 6, है ना। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के साथ एक रेशियो, परपेंडिकुलर का बेस के साथ एक रेशियो, दो यहाँ पे हुआ। हाइपोटेन्यूज का परपेंडिकुलर के साथ रेशियो, हाइपोटेन्यूज का बेस के साथ रेशियो, तो यहाँ पे हुआ 4, एक्सक्यूज मी। इसी तरह बेस का परपेंडिकुलर के साथ और हाइपोटेन्यूज के साथ, तो आपके पास टोटल 6 6 रेशियोज बन के आता है, ठीक है। अब वो 6 रेशियोज होता क्या है, उनको बस आपने एक सिंपल सा ट्रिक करके याद रखना है, और वो ये होता है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो जो ट्रिक है वो इसको यहाँ पे लिख देता हूं, देखना आप इसे याद रखोगे। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू, सॉरी दिस इज टू है, टी है, टू प्रेजेंट ब्यूटी है, ठीक है। ये चीज बस आप याद रखिएगा अपने हिसाब से, इस निमोनिक से आप याद रख सकते हो। सम एस का मतलब होती है साइन, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी है। अब यहाँ पे सम एस का मतलब साइन हुआ, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक रेशियो ये हुआ, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक, या टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3 तो हो गए। बाकी 3 क्या है, इन्हीं का रेसिप्रोकल करोगे यानी उल्टा करोगे। जैसे अगर मुझे चाहिए, इसका साइन का उल्टा होता है सर, यहाँ पे लिखोगे कोसेक, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक बोले तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोसेक के बराबर होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉस की उल्टी को कहेंगे रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा कहोगे, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है। इसी तरह टैन का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उसको हम कहेंगे कॉट थीटा, व्हिच इज लाइक बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस हमने डिस्कस करी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि हमें वहां से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप अपने एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लें, जैसे कोई 8.1 के एक्सरसाइज का आपके पास बुक होंगे, तो आपको जो है यहाँ पे एक 8.1 में ना, सॉरी 8.1 एक्सरसाइज में जैसे क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आपको कह रहा है फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर, इसे फाइंड करनी है। और आपके पास जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम कुछ इस तरह है, ये आपके पास डायग्राम है, और यहाँ पे है बेटा पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दिया है 13 सेंटीमीटर और ये दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आप देखना यहाँ पे इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अब इसका जो अपोजिट साइड है ये होता है हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है 13। और ध्यान से देखिएगा, मेरे पास पूछा क्या गया है, यहाँ पे टैन पी है, पी एंगल ये होता है, और आर यानी ये एंगल होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखाई दे। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक एंगल ये वाला है पी वाला, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे एक ये चाहिए टैन पी, तो क्योंकि यहाँ पे पी है ना, यहाँ पे मैं गोल कर रहा हूँ, यहाँ पे टैन पी है। जब आप इस एंगल को कंसिडर करते हो तो इसका अपोजिट साइड ये वाला क्यू आर, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब जब मैं कलर को चेंज करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये वाला, आपके पास ये व्हाइट कलर का मैंने यहाँ पे शेड किया, ये कौन सा एंगल है, आर है ना, आर यहाँ पे है कॉर्ड के साथ है, ये जो आर है, सॉरी ये जो आर है, अगर आप इस एंगल को कंसिडर करते हो तो इसका अपोजिट साइड यानी ये PQ 12 सेंटीमीटर वाला, ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको टैन पी निकालना है, कॉट आर निकालना है, ठीक है, समझ में आए ये चीज, ग्रेट। अब एक चीज याद रखिएगा, अभी अभी आपने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, वो साइन, ये सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब मुझे टैन चाहिए, तो इस वाले को देखो, टैन का होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और टैन का उल्टा होता है कॉट, अब कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आपको इस डायग्राम में परपेंडिकुलर, ठीक है, देखिए हाइपोटेन्यूज दिया है और एक साइड नहीं दिया, सही है। अगर आप एंगल आर को कंसिडर करते हो तो जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है, वो दिया है, लेकिन
बेस नहीं दिया। अगर आप पी को कंसिडर करते हो, इसका अपोजिट साइड कौन सा, क्यू आर, ये परपेंडिकुलर बना, ये नहीं दिया और ए दिया हुआ, बेस दिया हुआ है। समझ में आया था ना, एक साइड हमें निकालना है, आई मीन क्यू आर निकालना है सबसे पहले। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास तीनों साइड का होना जरूरी है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है, अब इसको कह दो फॉर द टाइम बीइंग परपेंडिकुलर, मेरे पास क्यू आर नहीं है, ठीक है। तो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कह सकते हैं, सर जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जिसे मैं पी आर कहूँ, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। समझ में आया, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखिए, मुझे क्यू आर का स्क्वायर चाहिए, अगर मैं पी क्यू को इधर शिफ्ट कर दूं इस साइड तो माइनस हो जाएगा, और मेरे पास क्यू आर का स्क्वायर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, अब क्यू आर का स्क्वायर इस साइड है, इस साइड रखो, सेम होता है, अब इसको उधर मूव करो, तो यहाँ पे पी आर तो ऐसा ऐसे ही रहेगा, चूंकि पी क्यू को मूव किया है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस साइन लगेगा, यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर सही है, ग्रेट। अब पी आर का स्क्वायर कितना है भाई, पी आर 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया, माइनस पी क्यू कितना है, 12 का स्क्वायर हो गया, राइट। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, समझ में आया। अब अगर 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25 बचा, राइट। तो ये आया सर आपके पास 25 आया, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं बोर्ड को। अब आपके पास क्या हुआ, मेरे पास जो क्यू आर का स्क्वायर आया ना, वो आया 25 आया, सही है। अगर आपको क्यू आर चाहिए तो स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट कैसे कहते हैं, इसे देखना, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाते हैं, माइनस को नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपको क्यू आर यानी डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस नेगेटिव में होता नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ क्यू आर हो गया। समझ में आया, आई मीन यहाँ पे देखना, एक स्टेप यहाँ पे मिस कर रहा है, कौन सा, अब टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे आपके पास 25 आया, 25 आया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फाइव, तो क्यू आर इज इक्वल टू हो गया सर अंडर रूट ऑफ 25, मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्यू आर बराबर हो गया 5, ठीक है, समझ में आया, ये आपके पास हो गया क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर 5 सेंटीमीटर निकल गए, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर आप रख सकते हो, इतना क्लियर है, समझ में आए, ग्रेट। अब देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, अब मुझे tan p और cot r चाहिए, इतना समझ में आ, tan p cot r के लिए क्या करोगे, थोड़ा मैं यहीं पे कर लेता हूं, इसलिए मैं जस्ट वन मिनट तो करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं, सही है, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ना। अब मुझे चाहिए tan p, अब tan p का फॉर्मूला क्या होता है कोई बताएगा, tan p अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, tan होता है perpendicular upon hypotenuse, सही है, perpendicular upon hypotenuse होती है, sorry, perpendicular upon base होती है ना, ठीक है। अब इधर ही निकाल लेता हूँ मैं, सारा जो एंगल है आपके पास वो निकाल लेते हैं, तो आपको चीजें और समझ में आ जाएंगे, ओके, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रेट। अब इसी जो बॉक्स में है मेरे को यहीं पे करना है सारा कुछ। अब मुझे चाहिए सबसे पहले tan p चाहिए, tan होता है सर perpendicular upon base, क्योंकि to present beauty होती है ना। अब p यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था p के opposite side perpendicular, यानी qr perpendicular है, qr कितना आया, 5 आया था ना, 5 आया, और base कितना है, अब base अब बताइए, base तो pq है, pq कितना है, 12, ये समझ में आया, ठीक है। अब cot r ले लेते हैं, cot r, cot होता है सर इसी को उल्टा, base upon perpendicular, लेकिन चूंकि R ले रहे हैं ये वाला एंगल, तो बेस क्या हुआ, इसका अपोजिट साइड यानी PQ परपेंडिकुलर है, तो बेस हुआ QR, QR क्या है, 5, और परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर है आपके पास 2, परपेंडिकुलर कितना हुआ, 12, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, थोड़ा उल्टा है ना, यहाँ पे एंगल P है, यहाँ पे एंगल R है, therefore आपको चाहिए था tan P minus cot R की वैल्यू, tan p मतलब सर 5 upon 12 और cot r मतलब 5 upon 12, 5 upon 12 minus 5 upon 12 आंसर क्या आया, शून्य, जीरो आया, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हुआ, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। तो बस रेशियो को ऐसे ही लिखना होता है, अब आपको एंगल का ध्यान रखना है, कौन सा एंगल आप ले रहे हैं ये जरूरी है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं आपके पास दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ
क्या सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, सम स्पेसिफिक एंगल है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब ध्यान से देखना। आपके पास पांच स्पेसिफिक एंगल होता है, एक होता है 0 डिग्री, दूसरा होता है 30 डिग्री, तीसरा होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये आपके पास पांच एंगल है। अब आपको करना क्या है, जैसे लाइक मुझे यहाँ पे चाहिए साइन 0 की वैल्यू, इसी तरह मुझे साइन 30 की वैल्यू चाहिए, ब्ला ब्ला साइन 90 की वैल्यू, तो कितना हुआ, पांच हो गए, पांच है ना। इसी तरह साइन के बाद इसको उल्टा कोसेक, टैन कॉस टैन कॉट, ये सारा, तो 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 5 देखना 6 है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 5 आपके पास क्या है स्पेसिफिक एंगल, तो 6 × 5 = 30 आपके पास अगेन फॉर्मूले याद होने चाहिए। बस इसके भी आपके पास सिंपल सब ट्रिक है आपकी बुक में जो डब्बे बने हैं, या मैं करता हूँ आप अपने हाथ से जो है वो ट्रिक सीख सकते हैं, ठीक है। तो अपना जैसे मान लीजिए अपना हाथ दाएं वाला हाथ आगे करिएगा, उसको कॉपी पे बनाइएगा प्लीज, है ना, घर पे अपना बनाइएगा, ठीक है, मैं ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है, तो वैसा ये रॉबर्ट का हाथ बन गया, ठीक है, वैसे ही कुछ हाथ। अब ये आपके पास क्या है, दिस इज द थंब साइड राइट, और ये क्या है, ये क्या है, छोटा सा है ना, ये लिटिल फिंगर है राइट, ओके। आप जो थंब को है उसको मैं बोल दूंगा सर 0 डिग्री, ये भी छोटा बन गया, कोई बात नहीं, ये हो गया दिस इज लाइक 30 डिग्री, और ये वाला हो गया सर 45 डिग्री, ये वाला हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। जस्ट ट्रिक है याद रखने के लिए, ऐसा ना क्या ना सर 90 बड़ा होता है तो 90 ये बड़ा वाला उंगली होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है, जस्ट आपको याद रखने के लिए मैंने क्या किया, 0 से 90 तक हमने ऐसे उंगली के नाम दिए, सही है, पांच उंगलियां, पांच आपके पास क्या है, उंगलियां हैं, पांच आपके पास स्पेसिफिक एंगल्स है। अब इसको याद रखने के लिए आपने करना क्या, अब आपको निकालना है, जैसे मुझे निकालना है, मान लीजिए किसी ने कहा निकालिएगा 30 डिग्री, मतलब क्या 30 डिग्री, अब ये जो ट्रिक है ना ये है सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ साइन और कॉस के लिए है, लेकिन साइन और कॉस आ जाते हैं ना तो सब कुछ आपके पास मिल जाता है, ठीक है, कैसे क्या करोगे देखना। अगर मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू, तो 30 पे इसे आप मार्क कर दीजिएगा। अब जो थंब साइड में है ना, थंब साइड में जितनी भी उंगलियां रहती हैं वो साइन के अकाउंट में जाता है, और लिटिल फिंगर साइड में जितनी भी उंगलियां रहता है वो कॉस के अकाउंट में जाता है, सही है। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री चाहिए तो कॉस 30 डिग्री खुद बहुत फ्री में मिल जाता है, कैसे ध्यान से देखना, साइन 30 डिग्री, अब 30 उंगली ये वाला आपने निकालना है, तो इसकी इस साइड थंब साइड कितनी उंगलियां हैं, सिर्फ थंब ही है ना, तो एक ही उंगली बचा, और इसकी इस साइड यानी लिटिल फिंगर साइड पे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3, ओके 3 बचा। अब जैसे ही उंगली आए, जैसे ही नंबर आए, उंगली का काम खत्म है, अब आपको जो नंबर आया ना उसका रूट लेना है, तो रूट ले लिया भैया, अब जैसे ही रूट लिया डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये याद रखना 3 स्टेप, पहले क्या किया, नंबर आया 1 आया 3 आया, उसका रूट लिया, फिर डिवाइड बाई 2 किया। अब आपको पता है 1 तो रूट के बाहर आ जाते हैं ना, निकल जाएंगे, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 का स्क्वायर का मान लिख सकते हैं, ये बाहर आ जाती है, तो साइन 30 की जो वैल्यू है ना वो 1/2 है, और कॉस 30 के जो वैल्यू है, चूंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये बाहर नहीं आता बेचारा, कहते रहेगा, तो √3/2 ये आपके पास वैल्यू है। तो समझ में आया क्या किया, अब मुझे चाहिए सपोज सिर्फ यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू, तो निकाल पाओगे आप निकाल लीजिएगा 60 की वैल्यू, तो करोगे क्या, अगर साइन 60 चाहिए, अगर मुझे मान लीजिए मैं यहाँ पे इधर थोड़ा सा इधर निकाल लेता हूँ ना, इधर निकाल लेता हूँ इस कोने में, ठीक है, सिर्फ साइन का निकालूंगा, आप कॉस का निकाल दीजिएगा। अगर साइन 60 चाहिए तो ये है 60, ये वाला जहाँ पे मैं लाइन मार रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ये छोटा उंगली हो गया, 2 3 उंगली काउंट हो गए तो 3 आ गए, और उस साइड कॉस वाला चाहिए तो कॉस के लिए 3 ही है, तो जैसे ही नंबर आया अब आप उसका रूट लोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, तो साइन 60 यानी √3/2 आया। इसी तरह अदर एंगल्स आप निकाल सकते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है, समझ में आया। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जैसे अभी जैसे आया साइन 30 क्या आया 1/2, कॉस 30 क्या आया √3/2, जब आप इसको हाथ से प्रैक्टिस करोगे ना तो आप को ना एकदम निकल जाएगी, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस हाथ आगे करो फटाक आंसर, ठीक है, तो हाथ तो है ना आपके एग्जाम में साथ में, ठीक है, ग्रेट, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए अगर मुझे जैसे अभी अभी किया था सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपने निकाल ली 1/2 आया था और आपने निकाला कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आया था भैया √3/2,
अब आपको चाहिए टैन 30 डिग्री। टैन आप हाथ से नहीं निकाल सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला होता है वो ये है, ये है, ये याद रखिएगा, स्टार लगा रहा हूं। तो टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। अब टैन 30 मतलब क्या हुआ भैया, साइन 30 अपॉन कॉस 30 के बराबर हुआ। साइन 30 बोले तो 1/2 लिख दीजिए, डिवाइड बाय कॉस 30 यानी अंडर रूट 3 अपॉन 2। 2 कैंसिल, ऊपर आया 1, नीचे आया अंडर रूट 3, तो टैन 30 की वैल्यू हुआ 1/√3। समझ में आया? इसी तरह अगर मुझे साइन का तो ठीक है 1/2 है, कोसेक बता सकते हो? हाँ जी बता सकते हैं आराम से। अब बता दीजिए शाबाश, कोसेक 30 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1, आंसर 2 आया। इसी तरह अगर आपको कॉस का पूछा जाए क्या बता सकते हो? सेक का, हाँ जी सेक 30 को बता सकते हो, इसी को उल्टा कर दो कॉस का यानी 2/√3। समझ में आया? अगर आपको कॉट का पूछना है तो टैन का उल्टा कर दो, कॉट 30 का पूछते हो तो टैन का उल्टा, टैन का होता है 1/√3, कॉट का होता है √3। तो सारे वैल्यू आपने खटाक से एक सेकंड में निकाल दी। समझ में आया? ये होता है सम स्पेसिफिक एंगल का कॉन्सेप्ट। समझ में आया होगा आई होप। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं भाई, ठीक है एंगल्स। अब सबसे पहले समझ में आया, देखो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने ऑलरेडी बताया रखा है, वहां पे कोई भी दो एंगल का सम जब 90 होता है तो थीटा 1 और थीटा 2 को आप कहते हो क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सीए कहते हैं, ठीक है सी है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है ये, सीए है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अच्छा एग्जांपल, जैसे किसी ने कहा 30 डिग्री और कौन कॉम्प्लीमेंट्री, अरे 30 पे 60 करोगे तो आएगा 90, राइट, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। 20 पे कौन कॉम्प्लीमेंट्री, 20 प्लस 70 करोगे तभी तो 90 आएगा ना, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री। समझ रहे होंगे ना क्या चीजें कह रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आता है ना, ये क्या होता है ध्यान से देखना। मेरे पास सर राइट एंगल, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री है ना। अब ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी जानते हो, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, यानी इन तीनों का सम क्या होता है 180, है ना। अब ये 90 है तो इन दोनों का सम क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 होता है 180। अब एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी होता है सर 180, क्लियर। एंगल बी कितना दिया है 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी होगा 180 माइनस 90, तो ये होगा भैया एंगल ए प्लस एंगल सी हो गया 180 में से 90 गया तो 90 सही है। अब यहां से मैं एक चीज ले आऊंगा, देखना सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए अगर इस साइड शिफ्ट हो जाए तो 90 माइनस ए में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, सही है। अब ध्यान से देखिए होता क्या है, बस बस मुझे चाहिए ये इक्वेशन, तो मैं इस इक्वेशन को रखूंगा। अब ध्यान से देखना, इसको मैं यहाँ पे एक टिक मार दूं, ठीक है। अब आपको पूछा जाए सर जी साइन ऑफ एंगल, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ क्योंकि वो जो है ऊपर गया है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, ये है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, यहाँ पे 90। अब आपको किसी ने कहा साइन सी क्या होता है, साइन सी क्या होता है, साइन बराबर होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल सी बोल रहे हो ना आप, सी है ना, साइन सी एंगल सी यानी ये वाला सर, जो एंगल आप कंसिडर करते हो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे ए बी हुआ डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 का अपोजिट यानी ए सी, सही। इसी तरह अगर मुझे चाहिए कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस होता है कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि आप एंगल ए को कंसिडर कर रहे हो इस बार, इसको एंगल कंसिडर कर रहे हो, यानी थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। यानी अगर आपको ए चाहिए, ए चाहिए तो इसका अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर कौन सा अपोजिट साइड सर, ये वाला बी सी है ना, बी सी सॉरी कौन सा चाहिए आपको एंगल, एंगल हाँ ए चाहिए तो इसका अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हुआ और इसका साइड एडजेसेंट साइड ये वाला बेस हुआ, हाँ जी। अब कॉस ए है बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस हुआ सर,
ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा इसी। अब ध्यान से देखिएगा, ए बी अपॉन ए सी यहां पे भी है, ए बी अपॉन ए सी यहां पे भी है, तो समझ में क्या आया? साइन सी बराबर होना चाहिए ना कॉस ए के, क्योंकि ए बी अपॉन ए सी ऊपर भी है, ए बी अपॉन ए सी यहां से भी है। यहां से लिख सकता हूं सर, साइन ऑफ एंगल सी बराबर हो गया कॉस ऑफ ए के। तो साइन ऑफ एंगल सी मतलब ये वाला जादू यूज करो, सी के जगह पे हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए विच इज लाइक कॉस ऑफ एंगल ए। अब ये जो आपके पास आए हैं इक्वेशन, इसी को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये जो चीज है हम यूज करेंगे आगे जाके। अच्छा, तो ये आपके पास नया एक फॉर्मूला आया। अब आपके पास तीसरा सेट ऑफ फॉर्मूला आया, साइन ऑफ 90 माइनस ए इज इक्वल टू हुआ कॉस ए, सही है। अब आप कॉस और साइन को शिफ्ट कर दो, तो यहां से कॉस ऑफ 90 माइनस ए बन जाता है साइन ऑफ एंगल ए के, ठीक है, ए ये हुआ। अब आप प्रूफ कर सकते हो बाकी, जैसे लाइक मुझे और एक फॉर्मूला होता है टेन ऑफ 90 माइनस ए मेरे पास होता है सर, ये होता है कॉट ए के बराबर, और कॉट ऑफ 90 माइनस ए होगा टेन ए के बराबर, ठीक है। लास्ट होता है कोसेक वाला, कोसेक ऑफ 90 माइनस ए बराबर होगा सेक ऑफ ए के, एंड सेक ऑफ 90 माइनस ए होता है कोसेक ए के बराबर। ये तीन फॉर्मूले हैं, है ना, तो पैर हैं, ए को याद रखो, ए आराम से आ जाता है। अब ये जो ए मैं बोल रहा हूँ, ये जो ए है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ए क्या है? ए आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, जहां जहां ए लिखा है ये कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब। और एक चीज याद रखिए, यानी 90 में से ए माइनस कर रहे हो तो ये जो ए है, ए होगा आपका एक्यूट एंगल, यानी लेस देन 90 होता है, लेस देन 90 होता है। तो जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन होगा, तो हम उस पे ये क्वेश्चन, ये जो है फॉर्मूला आपके पास यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा आपके टेक्स्ट बुक में से, मान लो क्वेश्चन 8.3 का कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। बाकी सारे क्वेश्चन हम आई होप मैंने किया होगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इवैल्यूएट एक क्वेश्चन है, जैसे लाइक साइन ऑफ 18 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन है, ये आ जाता एग्जाम में। आप नोटिस करना 18 डिग्री और 72 डिग्री, अगर आप 18 डिग्री पे 72 ऐड करोगे तो 90 होता है, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको एक को चेंज करना है, एक को क्या, या तो साइन को चेंज करो या तो कॉस को चेंज करो। मैं करता हूं साइन को चेंज, तो साइन को चेंज करूंगा तो कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ 90 माइनस, देखना 90 में से क्या एंगल माइनस करोगे 18 मिलेगा, तो जिसको चेंज कर रहे हो उसका एंगल नहीं लिखना है, जिसको चेंज नहीं कर रहे हो उसका एंगल लिख दीजिए 72, सही है, क्योंकि 90 में से 72 माइनस करोगे तो आपको आएगा 18, और cos 72 को ऐसे ही रख देना, एक को चेंज करना है बस। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा के बराबर, cos थीटा यहाँ पे क्या है 72 है, डिवाइडेड बाय cos 72 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, आंसर आया 1, बस हो गया, इतना सा काम करना था आपको, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट जो टॉपिक बचता है इसी ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपके पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करके एक टॉपिक है ना, वो जो टॉपिक है बहुत सिंपल सा है, आता कहाँ से है, बस फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। अब आइडेंटिटी यूज करना है जरा आपने, ये आपके पास है ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री है। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन सा है ए वाला, बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये आपके पास मास्टर इक्वेशन है। अब यहाँ से जो फॉर्मूला आप डिड्यूस करोगे, वो सारे फॉर्मूले हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, देखना करते क्या हो। इस इक्वेशन को अगर आप ए सी की स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड करोगे ए सी के स्क्वायर से, क्योंकि कर सकते हैं, तो देखना ए सी का स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आंसर आया हुआ, सही है। अब इसको क्योंकि बी सी का स्क्वायर है, ए सी का स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, वन इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब इसको अगर मैं फॉर द टाइम में थीटा लूं,
तो बी सी थीटा का अपोजिट साइड वाला ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। बी सी अपॉन ए सी यानी बेस अपॉन हाइपोटन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी, यानी यहाँ पे ए बी क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, क्योंकि ए सी हाइपोटन्यूज है, ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से आपने क्या का कहा देखना, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज क्या होता है, कर्ली ब्लैक है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज होता है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वन है, तो ये वन है। तो ये फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटी जो है आपके पास इसी से आता है। आप देखना इसी फर्स्ट इक्वेशन को जब आप बी सी के स्क्वायर से बोथ साइड को डिवाइड करोगे तो और एक आइडेंटिटी आएगा, और ए बी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो और एक आइडेंटिटी आता है। तो टोटल तीन ही आइडेंटिटी है, क्योंकि तीन ही पॉसिबिलिटियां हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटीज, सॉरी, ठीक है। तो सबसे पहला आइडेंटिटी आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन, ठीक है। अब दूसरा जो आइडेंटिटी वो होता है आपके पास sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस वन, और थर्ड होता है ये होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन चीजें होती हैं। अब कभी कभी आपको ऐसे ऐसे मिलेगा नहीं क्वेश्चंस में, डायरेक्ट आप यूज करो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। देखना अगर मैं साइन थीटा को इधर मूव करूं तो उधर रहेगा सर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस, क्योंकि साइन स्क्वायर अगर साइन के आगे प्लस है ना उस साइड तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी ये यूज कर सकते हो आप, या कॉस स्क्वायर को उधर मूव करो साइन स्क्वायर को रखो तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो ये ऐसे आपको कभी कभी क्वेश्चंस में डायरेक्ट नहीं दिया होता, तो थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट करना होता है। अगर मैं टैन स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये ऐसा हो सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, हो सकता है। अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये होगा सर cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। तो ये ऐसी चीजें हम क्वेश्चंस में करते हैं यूज, ठीक है। तो बस यही आपके पास पांच टॉपिक्स था, इन्हीं को हमने देखना था बस। ये आपके पास वन शॉर्ट वीडियो में जस्ट हम टॉपिक को डिस्कस किए हैं। अब आगे जो नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो है उनमें हम एक्सरसाइज वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तब तक बने रहिए, टेक केयर, बाय।